पहले तो ना मेरा ये अपडेट बनाने का मन था नहीं, फिर मैंने कहा कि भाई अपडेट्स बनाने का यही फायदा है ना कि आप लोगों को हम टोटली इन ट्यून रख सकें कि यहाँ पे क्या चल रहा है, तो उसमें अच्छा बुरा सभी कुछ बताना ही चाहिए। कल आई स्टार्टेड मिसिंग माई डैड, क्योंकि जो पीपल फार्म बढ़ रहा है ना, तो ये ग्रोइंग पेन्स है, मुझसे हैंडल हो नहीं रहे। मतलब कर मैं लूंगा, करना ही पड़ेगा, और चॉइस ही क्या, आई थिंक इसी को जिम्मेदारी कहते हैं। पर ये बताया ना कि जब आप छोटे होते हो तो यू कैन जस्ट फोकस ऑन जो आप करना चाहते हो और बाकी सारी चीज़ें हैंडल हो जाती हैं। तो मेरे को अच्छा लगता है कि मैं लिखूं, फार्मिंग करूं, वीडियोस बनाऊं, बट इसके साथ साथ ये जो सारी मैनेजमेंट है, लीडरशिप, ये सब भी मुझे देखना पड़ रहा है। एंड मुझे बड़ी दिक्कत होती है यार लोगों की ईगोज नेविगेट करना। लोग इतने ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, किसी को आप उसकी कमी पॉइंट आउट करते हैं, चाहे जितने अच्छे ढंग से करें, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं। मैं देखिए, पीपल फार्म की जो छवि है वो अच्छी है, लोगों को दिखता है कि भाई एक बड़ा एक हैप्पी सा परिवार है, मिलकर हम काम करें। लेकिन इस परिवार में भी देखिए दो तरह के लोग हैं। एक वो लोग हैं जो पैशनेट हैं इस काम के प्रति, जो इस काम को करना चाहते हैं और उन्हें तनख्वाह चाहिए, क्योंकि भाई अब घर तो चलाना ही है। दूसरे वो लोग हैं जो सिर्फ जिनके लिए एक जॉब है। तो वो जो मिसमैच हो रहा है ना, वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स उभर के आ रही हैं। खैर, मैं आपको एनिमल एरिया ले जाता हूँ, फिर इस बारे में बात करेंगे। मैं कैमरा घुमाता हूँ और जो नए रेस्क्यूज आए हैं उनसे आपको मिलवाता हूँ। ये हमारा एक अनएडिटेड टाइप ही रहेगा अपडेट जितना हो सकेगा। एक तो ये आई है बिस्किट, ये रामनगर से है। सचिन जी ने इसको देखा तो उन्होंने इसके बारे में हमें कॉल किया। इसकी माँ यहीं पे ही है, चाय ये बैठी, इसी की मदर है ना अमित, ये इसकी मदर है। तो चाय काफ़ी वीक है, इसलिए जो बिस्किट है इसका जो है बर्थ जो है प्री मेच्योर हुआ है। उसके बाद मैं आपको और रेस्क्यू से मिलवाता हूँ। आप लोगों का चाय टाइम चल रहा है क्या? कोई है अंदर क्लिनिक में? ये तो चरणदास लात भी बड़ी मारता है ना। बाय द वे, बेटी जी का एक इंस्टाग्राम चैनल है, पीपल फार्म बेटी जी, तो आप प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करना ताकि हम इसका और कंटेंट वहाँ डालने के लिए थोड़ा प्रोत्साहित महसूस करें। अब इस समय 55 से ऊपर एनिमल्स हो गए हैं। अच्छा, इस समय टी ब्रेक है। राधा, आप 2 मिनट लेके मुझे रेस्क्यू से मिलवा दोगे जो नए आए हैं? हाँ, मैं आपको पहले सारे रेस्क्यू से मिलवा देता हूँ, उसके बाद जो रिलीजेज हैं वो भी बता दूंगा। हाय दिनेश। हेलो भैया जी, ये जो ये कैट आई है, ये धर्मशाला से किसी का डॉक्टर दिबाकर का फोन आया था आई थिंक। जी जी, कोई पेन छोड़ के गए हैं। अच्छा, तो आजकल ये खा पी ही रही है, तो इसके लिए हमने इसको इंटाकल सिर्फ दे रहे हैं, न्यूरोकाइन इंजेक्शन और भी है। तो पैरालाइज है क्या? तो अगर ये ठीक हो जाती है तो चल पाएगी या रगड़ के चलेगी? ये तो डॉक्टर ही बता पाएंगे। रगड़ के सर, फिलहाल रगड़ के ही चलेगी। पूरा डैमेज नहीं है, एक लेग पे ज्यादा है और एक पे कम। और संजय राणा जी ने भी एक डॉग कॉल किया था, वो कहाँ है? ओके, यहाँ पे कोई केस है तो आप मुझे पहले उनसे ही मिलवा दो ना। वो नितिन कुमार जी ने जो टांडा से कॉल किया था, वो वायर ट्रैप जिसका यहाँ पे वो है, पंजाब वाला उसकी। अच्छा, वो यहाँ पे आ गया है। आपको याद होगा कि हमने एक डॉग के बारे में आपको बताया था, जिसको रामफूल जी लाए थे। मैं अंदर ही चल लेता हूँ आपके साथ ही। उसको रामफूल जी लाए थे, तो वो कल्पना जी के यहाँ फॉस्टर हो रहा था, पर उसको हमने यहाँ पे मूव किया। यहाँ पे क्यों मूव कर लिया उसको? इसलिए क्योंकि वहाँ पे उसने अपनी पैनेट वगैरह खोल दी थी, तो वो हमारी अगर देख रेख में रहेगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा ना। उसने फिर यहाँ के सूचर भी एक एक आता सूचर है जो निकाल दिया हुआ था, फिर उन्होंने सोचा कि अगर आप लोगों के पास रहेगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, फिर हम इसको यहीं पर अपडेट कर रहे हैं। इसका नाम नहीं रखा अभी? रखा है अभी तक तो मैंने भी नहीं रखा होगा, मुझे अभी तक। आई थिंक इसका नाम, इसकी एम्पिटेशन तो नहीं हुई ना? नहीं, इसकी फीलिंग हुई है। एक जिसकी एम्प्यूटेशन हुई है ना, उसका नाम हमने मिस्टर थ्री रखा है। कहाँ पे? यहाँ पे।
वो यहाँ पे है, अभी उसकी बैंडेज खो गई, बाहर चला गया वो, ये है। Hey buddy. तो मिस्टर थ्री जो है ये वो नूरपुर में, नूरपुर से आया था, इसका जो पैर है वायर ट्रैप, वायर ट्रैप में फंसा था, और इस बाबा रे ये डॉग भी थोड़ा अग्रेसिव सा ही लग रहा है। मैं इसको यहाँ से कैनल का दरवाजा बंद कर रहा हूँ राधा। ओके तो थोड़ी तो यहाँ पे क्रेजीनेस रहती है, साथ में थोड़ा मेरा मूड इसलिए भी ऑफ हो गया कि ना इस समय हमारे पास कैपेसिटी से 10% ऊपर जानवर है, हमारे पास 50 की कैपेसिटी भी नहीं है और मेरे ख्याल से 56 जानवर है हमारे पास। और उसके बाद किसी का आया कि जी 60 किलोमीटर दूर से मैंने फ़ोन किया, पीपल फार्म ने मेरी हेल्प नहीं करी। अब यार अब क्या करें, हम कहीं तो हम दायरा बनाएंगे ना, हमारा तो वैसे ही 8 किलोमीटर का दायरा है, उसके बावजूद हम जाते हैं कल 2 घंटा दूर। हम देहरा, हमने एक बैल पकड़ने के लिए टीम भेजी, ये लोग बेचारे रात को 9 बजे आए और वो बैल पकड़ भी नहीं आया, पकड़ में भी नहीं आया। अब वो फिर दोबारा जा रहे हैं, डार्ट गन लेके जा रहे हैं, कल भी गए थे, लेकिन जस्ट वो आई डोंट थिंक कि लोग समझते हैं। पर मेरे को ना किसी ने मेरे पर्सनल इंस्टाग्राम पे एक बड़ा अच्छा कमेंट दिया, रुको मैं भी अंदर आ रहा हूँ, आप दरवाज़ा मेरे पीछे बंद करोगे। बड़ा अच्छा कमेंट दिया किसी ने कि भाई जिस पेड़ पे फल होते हैं ना उसी पेड़ पे लोग पत्थर मारते हैं। तो आई थिंक ये बात मुझे याद रखनी पड़ेगी कि भाई उनकी अपेक्षा है कि हम उन्हें मदद करें, और जब उनकी अपेक्षा पूरी नहीं होती तो वो थोड़ा हर्ट हो जाते हैं। ये कौन है साहब? ये कल्पना जी ने कॉल की थी हमें कि बुनाला में एक डॉग है जिसको स्किन प्रॉब्लम की वजह से यहाँ पे काफी हद तक ब्लीडिंग वगैरह हो रखी थी, तो उन्होंने उन्होंने कॉल की थी। इसका नाम क्या रखा है? इसका नाम मैक्सी। इसका नाम मैक्सी। अच्छा ये तो वो है जो किसी का अबैंडन्ड पेट है। हाँ ये लास्ट अपडेट में हमने इसकी बात करी थी। ये पहले से काफी बेटर लग रहा है यार, क्योंकि जब ये आया था तो इसकी तो आंखों पे भी ब्लीडिंग हो रखी थी। ओके मिस्टर थ्री से तो हम मिल ही लिए। और आप ये इसकी बात कर रहे थे जो संजय रानी की कॉल की थी, ये वो हील्ड फ्रैक्चर है। अच्छा फ्रेंडली भी है ये, किस लिए है यहाँ पे? ये तो हील्ड फ्रैक्चर ही है। अब तो फिर ये यहाँ पे कर क्या रहे हैं, आराम फरमा रहे हैं? इसकी ट्रीटमेंट चली हुई है, कोई टैबलेट है सर। ये तो फीमेल है ना, तो इसको तो हम स्प्रे करके रिलीज करेंगे। अच्छी है। हमारे ना मैं आपको बताऊं, हमारे न्यूटर्स में प्रॉब्लम आ रही है। मैं देख रहा हूं हमारे न्यूटर्स में 2-3 बार ऐसा हुआ, स्वेलिंग आ गई है, आई डोंट नो। तो कुछ चीज़ें हैं जिससे मैं अभी पूरी तरह खुश नहीं हूं, जो जिस हिसाब से यहां पे चल रहा है। हमारा मॉर्टेलिटी रेट जितना हाई होना चाहिए उससे ज़्यादा हाई है, क्योंकि उस दिन मैंने देखा, मैं खुद ही बता रहा हूं, मैं फीड एरिया में गया तो फीड एरिया ठीक से क्लीन ही नहीं था। तो अब जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं ना, लाइक आई सेड, ये मैनेजमेंट इश्यूज भी बढ़ रहे हैं। फीड एरिया अगर क्लीन ही नहीं है, अगर गाय वो वाली फीड खा रही है जो पुरानी हो जाती है, मोल्डी हो जाती है, तो ऑफ कोर्स उसको प्रॉब्लम होगी। तो खैर वी आर लुकिंग फॉर टीम मेंबर यार, जो हु रियली केयर, जो एक काम करके ना सालों साल बोर नहीं हो जाते। मैंने देखा क्योंकि यहाँ पे एक्सपीरेशन पीरियड भी है, लोग आते हैं एक्साइटेड होते हैं, शुरू में काम करते हैं, फिर उसके बाद घड़ी देख के काम करते हैं, फिर उसके बाद खाना पूरी करते हैं, फिर उनको मैनेजमेंट के 10 बंदे चाहिए उनके सर पे। That doesn't work for me. सर ये बाइट वाला केस है जो भी जिसकी यहाँ से बाइट हुई है, ये नीचे तक है इसकी पूरी रोल तक, यहाँ से इसके पेनिस तक की बाइट काफी होल हो गया है, पूरी पूरा कटा हुआ। ये थोड़ा स्केल, ये कहाँ से आया है? ये टांडा से। अच्छा ये किसने कॉल किया? ये टांडा से, साहिल, साहिल टांडा से किसने कॉल किया था? ओके ये काफी, अभी इसकी रिकवरी में काफी टाइम लगेगा। आई थिंक ये नितिन जी ने कॉल किया था। तो इसकी आपने वायर काट दी है, राइट? हाँ जी वायर काट दी, बट उसका टाइम लगेगा। आई एम श्योर इसका ना, जैसे जैसे ही कोई जानवर आता है ना हमारे यहाँ, थैंक्स राधा, जैसे ही कोई जानवर आता है हमारे यहाँ तो हम उसका एक वीडियो टेलीग्राम पे डाल देते हैं, इनकमिंग किया है, ये इन्होंने कॉल किया, यहाँ से आया है, ये केस है। क्योंकि अपडेट में कई बार ही सारे जानवर नहीं आ पाते। उस दिन एक मोहतरमा काफी नाराज हो रही थी कि भाई हमने जो रेस्क्यू भेजा वो अपडेट में नहीं आया, आप बताइए, हमने कोई फिल्म एजेंसी थोड़ा ना खोल रखी है कि भाई आप यहाँ पे रेस्क्यू भेजेंगे, हम उसको स्टार बनाएंगे। मतलब थोड़ी अजीब अजीब बातें भी लोग करते हैं ना,
अधिकांश समय तो मैं रहता हूँ, चलो मैं झेल जाता हूँ, पर कई बार जब 5-10-15 बातें इकट्ठी हो जाए ना, टीम के अंदर भी टीम के बाहर भी, तो फिर यार एक इरिटेशन होती है। अब आप किससे मिलवा रहे हो राधा? रैत से, चूरथा से, रैत से आगे 4-5 किलोमीटर दूर। अच्छा अच्छा, वो शायद फेसबुक पे मेरे को कमेंट कर भी रही थी। हाँ जी, अब ये काफी हद तक, इसको टीवीडी है राइट? हाँ जी जी, अब ये काफी हद तक ठीक हो गई है, तो ये भी थोड़ी सी स्केयर्ड है ऐसे तो। यार ये मैंने दिखा दिया, अभी ब्लर करना पड़ेगा हमें, मैं ऐसे ही डाल रहा हूँ। अब है क्या, फेसबुक वाले ना रोते हैं, मैं देखता हूँ ऐसे, कसम से मैं जाता हूँ, मेरी फीड में इतने गंदे गंदे वीडियोस वो सजेशन देते हैं, मतलब सॉफ्ट पोर्न और भद्दे से वीडियोस, वो समा ओके है, लेकिन अगर हम दिखाते हैं भाई एनिमल के साथ ये क्रुएल्टी है, तो वो ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट है, तो इसीलिए मैं तो डाल दूंगा। ठीक है यार, करना है बैन उन्हें तो करें, हम टेलीग्राम पे तो लिंक डालते ही हैं, टेलीग्राम से आपको इतला मिल ही जाएगी। ठीक है दादा, अडॉप्टेबल से मिलने एक बारी, काफी टाइम से हम अडॉप्टेबल से नहीं मिले। हाँ जी, ये काजल है। हाँ जी, ये काजल है। काजल के 3 पैर हैं, काजल अभी भी शी इज वेटिंग फॉर अ होम टू बी अडॉप्टेड। शर्मीली जो वापस आ गई थी, और हाय शर्मीली, शी इज सो स्वीट। करली छुपी हुई है, करली तो बाहर जाएगी ना। करली बाहर जाएगी। करली क्यों आई हुई है यहाँ पे, मुंह का तो मुझे पता है। हाय करली, इसकी वो प्लेट कम थी ना, प्लेटलेट्स। ओके, करली और मुंह हमारे यहाँ के स्ट्रेज हैं जिनका हम ध्यान रखते हैं। और ये कंगना है, कंगना भी एम्पुटेशन हुई है, अब ये अच्छी है। हाय कंगना, ये थोड़ी स्केयर्ड है, और थोड़ी स्केयर्ड है, स्केयर्ड होने की वजह से ये दूसरों पे अटैक करती है। ओके, और आज सैटरडे है ना, एनरिचमेंट का ऑफ है और वॉलंटियर्स का भी, तो सैटरडे को ये सारे अंदर ही रहते हैं। ये माइनी है। हाय माइनी, इसने क्यों पहन रखा है, कौन इसकी स्टे हुई है ना। ओके, मिनी, इनी मिनी माइनी मो, इनी मिनी माइनी है ये। ओके, माइनी है, राधा कह रही है माइनी है, तो माइनी है। थैंक्स राधा। बाकी तो ये हमारे जो आर्किटेक्ट साहब हैं, वो एक दिन छुट्टी पे गए, वापस ही नहीं आए, तो ऐसी चीज़ों से भी थोड़ा डील करना पड़ता है। तो देर इज़ अनदर आर्किटेक्ट जिन्होंने अप्लाई किया है, तो मैं उनसे संपर्क करूँगा। बाकी तो यही है, देखिए हमें वो लोग चाहिए जो जिनका ना सपना हो ऐसा कुछ पीपल फार्म जैसा बिल्ड करना, पर उनको है कि भाई हमारे पास इतना अनुभव या संसाधन नहीं है कि हम स्क्रैच से शुरू कर सके, तो वो लोग इसको एज अ स्प्रिंग बोर्ड देंगे। आप लाज कर रहे हो मेरे पीछे ना, डबल गेट्स हमेशा एनिमल रेस्क्यूज में, शेल्टर्स में, एक गेट बंद हो उसके बाद ही दूसरा गेट खुले। एनीवे, तो वो लोग जो इसको एज अ स्प्रिंग बोर्ड देखें, एज एन अपॉर्चुनिटी देखें कि भाई हम ये करना चाहते थे, हमें करने को मिल रहा है, एंड सैलरी इज जस्ट एन एडिशनल बोनस, वो लोग चाहिए। हमारे प्लान्स हैं आगे, अभी हमें एक इको विलेज बिल्ड करना है जिसमें सारे वॉलंटियर 15-20 लोग इकट्ठे आके रहेंगे। उसके बाद अगर जो हमारा हॉस्पिटल है, अब हम दूसरे आर्किटेक्ट हायर करेंगे, हॉस्पिटल का प्लान तो वहीं रुक गया, फिर हॉस्पिटल वो आगे कंटिन्यू होगा। उसके बाद वी हैव लीज लैंड जहाँ पर हम फार्मिंग कर रहे हैं, ग्रीन हाउसेज हमने बनाए हैं। उसके बाद हम एक नेचर का टेम्पल बनाना चाहते हैं, उसके लिए लैंड अभी एक्वायर नहीं किया है, पर हम करेंगे। तो यही मैं कहूँगा कि आप अगर ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़िए। सबसे आसान तरीका है हमारी वेबसाइट पर जाइए, वहाँ पे आपको हमारे बारे में जानकारी मिलेगी। हमें भी वो लोग पसंद हैं जो खुद से हमारे बारे में रिसर्च करें, एक सोची समझी ईमेल लिखें, इसीलिए 90% जो हमारे को ईमेल्स आती हैं हम उनको अपने साथ इन्वॉल्व कर नहीं पाते, उन लोगों ने सोचा समझा नहीं होता, जैसे एक इमोशनल रिएक्शन होता है कि आई वॉन्ट टू ज्वाइन यू, बट दैट्स नॉट वॉट वी वॉन्ट। वी वॉन्ट पीपल हु कैन पॉज, थिंक एंड एग्जीक्यूट। बाय।